नमस्कार, मैं मनोज कश्यप ब्लैश टीवी के लिए मौजूद हूँ इस समय हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में, जहाँ से आज देव डोलियाँ माँ गंगा के जल में स्नान करने के लिए यहाँ से प्रस्थान कर चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कतारबद्ध तरीके से एक के पीछे एक ये देव डोलियाँ जा रही हैं, और ये देव डोलियाँ आज जो चार धाम की यात्रा में जो डोलियाँ चलती हैं, वही डोलियाँ आज प्रेमनगर आश्रम से माँ गंगा के पावन तट को स्नान करने के लिए यहाँ से प्रस्थान कर चुकी हैं और जाकर के माँ गंगा के पावन जल में ये स्नान करने वाली हैं। देव भूमि के कणकण में देवों का वास है। यहाँ कदम कदम पर आपको कुछ ऐसे मंदिर और धरोहरें नजर आएंगी जिनका इतिहास बेहद ही रोचक है। धर्म नगरी हरिद्वार में आज हर की पौड़ी स्थित पौराणिक ब्रह्मकुंड में देव डोलियों को माँ गंगा में स्नान कराया गया। उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों से आई देव डोलियों में माँ धारी देवी, घड़ियाल देवता, माँ दक्षिण काली और माँ सुरकंडा की डोलियाँ हरिद्वार में गंगा स्नान को लाई गई। इनमें से हर देव डोली की अपनी एक पौराणिक मान्यताएं हैं, उनकी पौराणिक कथाएं हैं, कुछ खास विशेषताएं हैं जिनमें सबसे पहला नाम आता है माँ धारी देवी का। आपको बता दें कि माँ धारी देवी यह मंदिर राष्ट्रीय राजमार्ग 55 पर श्रीनगर से 15 किलोमीटर दूर अलखनंदा नदी के किनारे पर 1 किलोमीटर सीमेंट मार्ग सीधा मंदिर के पास तक जाता है, जहां मां का भव्य मंदिर स्थापित है। यहां देवी काली को समर्पित यह मंदिर इस क्षेत्र में बहुत पूजनीय है। लोगों का मानना है कि यहां धारी माता की मूर्ति एक दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है, पहले एक लड़की, फिर महिला और अंत में बूढ़ी महिला का रूप धारण करती है। एक पौराणिक कथन के अनुसार बताया जाता है कि एक बार भीषण बाढ़ में एक मंदिर बह गया और धारी देवी की मूर्ति धारो गांव के पास एक चट्टान पर रुक गई थी। गांव वालों ने मूर्ति से विलाप की आवाज़ सुनी और पवित्र आवाज ने उन्हें मूर्ति स्थापित करने को निर्देशित किया। हर साल नवरात्रों के अवसर पर देवी काली सोर को विशेष पूजा की जाती है। देवी काली के आशीर्वाद पाने के लिए और नजदीक के लोग इस पवित्र मंदिर में दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। मंदिर के पास एक प्राचीन गुफा भी मौजूद है। दूसरे हैं घड़ियाल देवता, जो कि बद्रीनाथ धाम के क्षेत्रपाल कहे जाते हैं, जिन्हें घंटाकर्ण यानी घड़ियाल देवता कहा जाता है। घड़ियाल देवता को बद्रीनाथ धाम का रक्षक कहा जाता है। जिस तरह से भैरवनाथ जी को केदारनाथ का रक्षक कहा जाता है, उसी प्रकार से घड़ियाल देवता भी बद्रीनाथ धाम की रक्षा करते हैं। पौराणिक कथन के अनुसार घंटाकर्ण बचपन से एक राक्षस था और साथ ही शिव का अनन्य भक्त भी था। इतना अनन्य कि उसे किसी अन्य के मुख से शिव का नाम सुनना भी पसंद नहीं था, इसलिए उसने अपने कानों में बड़े बड़े घंटे धारण किए हुए थे, जिस कारण से उनका नाम घंटाकर्ण पड़ा। घंटाकर्ण की भक्ति से भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वयं दर्शन दिए और वर मांगने के लिए कहा। वरदान स्वरूप घंटाकर्ण ने अपनी मुक्ति की इच्छा देव आदि महादेव के सम्मुख रखी। दरअसल घंटाकर्ण अपने राक्षसी जीवन से खुश नहीं था। वरदान सुनकर भगवान शिव ने कहा कि तुम्हें अगर कोई मुक्ति दे सकता है तो वह है भगवान विष्णु, तुम्हें उनकी शरण में जाना होगा। यह सुनकर घंटाकर्ण उदास हो गया, क्योंकि वो भगवान शिव के अलावा किसी अन्य देव की उपासना नहीं करता था, इसलिए भगवान विष्णु का नाम भी सुनना नहीं चाहता था। उस परिस्थिति को समझकर भगवान शिव ने एक उपाय सुझाया, द्वारकाधीश जाने को कहा, जहाँ भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में अवतरित होकर रह रहे थे। शिवजी के आदेश के मुताबिक अनुसार घंटाकर्ण जब द्वारिका पहुंचा तो वहां उन्हें पता चला कि भगवान कृष्ण कैलाश पर गए हुए हैं, जहां वे पुत्र प्राप्ति हेतु भगवान शिव की तपस्या कर रहे हैं। यह सुनकर घंटाकर्ण भी कैलाश की ओर चल पड़ा। जब बद्रिकाश्रम पहुंचा तो देखकर कि वह श्री कृष्ण समाधि में लीन हैं, तो वहीं बैठकर जोर जोर से नारायण नारायण का जाप करने लगा, जिस कारण श्री कृष्ण का ध्यान टूट गया। उन्होंने घंटाकर्ण से वहां आने का कारण पूछा,
तो घंटा कर्ण ने उन्हें सारा वृतांत सुनाया और उनसे मुक्ति की प्रार्थना की। कृष्ण उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। इसके बाद श्री कृष्ण ने नारायण के रूप में अवतरित होकर घंटा कर्ण को राक्षस योनि से मुक्त किया तथा साथ ही उन्हें बद्रीनाथ धाम का द्वारपाल भी नियुक्त किया। तभी से घंटा कर्ण यानी घड़ियाल देवता को बद्रीनाथ का क्षेत्रपाल भी माना जाता है। उन्हीं में से एक महाशक्ति और भी है और वो है माँ दक्षिण काली। अगर बात की जाए तो उत्तराखंड को चमत्कारों की धरती व देवभूमि माना जाता है। कहा जाता है कि उत्तराखंड के हर मंदिर में आपको कोई नया चमत्कार देखने को मिल जाएगा। यहाँ मंदिरों में एक अलग ही अलौकिक शक्ति प्रवाह करती है, मानो जैसे साक्षात यही रहती हो। ऐसी ही एक शक्ति माँ दक्षिण काली, जो कि नई टिहरी से बटखेम गांव में 5 किलोमीटर दूर पड़ता है। यह गांव 57 परिवार वाला है। इसी गांव में माँ कालिका का भव्य मंदिर स्थापित है। रविवार को मंदिर परिसर में खास पूजा अर्चना की जाती है, जहां माता की डोली का आह्वान किया जाता है। इसके बाद माँ खुद अपने भक्तों को अपने पास बुलाती है और उनकी समस्याओं का समाधान भी करती है। इस मंदिर में देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं। उत्तराखंड की वादियों में कुछ खास शक्तियाँ मौजूद हैं और इस कारण से ही इसे देवभूमि कहा जाता है। माँ कालिका के इस मंदिर में विज्ञान भी फेल हो चुका है। हर बार यहाँ ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं कि खुद वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। उत्तराखंड की वादियों में माँ सुरकंडा का सिद्धपीठ भी विराजमान है और यहाँ पर 51 शक्तिपीठ में से यह एक माना जाता है। देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी जनपद में स्थित जौनपुर के सुरकुट पर्वत पर सुरकंडा देवी का मंदिर स्थापित है। यह मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है, जो कि 9 देवी के रूप में से एक है। यह मंदिर 51 शक्तिपीठ में से भी एक है। इस मंदिर में देवी काली की प्रतिमा स्थापित की गई है। केदारखंड व स्कंद पुराण के अनुसार राजा इंद्र ने यहाँ माँ की आराधना कर अपना खोया हुआ साम्राज्य प्राप्त किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती ने उनके पिता दक्षेश्वर के द्वारा किए गए यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिए थे। तब भगवान शंकर देवी सती के मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगा रहे थे। इसी दौरान भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया था, जिसमें सती का शीश इस स्थान पर गिरा था, जिसे श्री सुरकंडा देवी कहा जाता है। सती के शरीर के भाग जिस जिस स्थान पर गिरे, उन स्थानों पर 51 शक्तिपीठ स्थापित हैं, जिनकी दिव्यता और भव्यता अलौकिक है। देव डोलियाँ महाकुंभ के जल में स्नान करने के लिए माँ गंगा के पावन तट हर की पौड़ी पर पहुँची हैं और अपनी दिव्यता और भव्यता के लिए जाने जाने वाली ये देव डोलियाँ इस समय माँ गंगा के जल में स्नान करने के लिए तैयार हैं, जहाँ पर इनकी पूजा अर्चना के पश्चात इनको अभिषेक कराया जाएगा। अभिषेक के पश्चात माँ गंगा के पावन जल में ये देव डोलियाँ स्नान करेंगी। मैं चाहूँगा कैमरामैन से एक बार की देव डोलियों के दर्शन आप सभी को कराएँ कि किस प्रकार से इन देव डोलियों का आज यहाँ पर पूजा पाठ होने के बाद में इनको स्नान ध्यान कराया जाएगा और उसके पश्चात ये डोलियां अपने गतवे को जाएंगी। हरिद्वार महाकुंभ में ये पहला ऐसा अवसर है कि जब एक साथ ये देव डोलियां यहाँ माँ गंगा के जल में स्नान करने के लिए एक साथ पहुँची हैं। यह नज़ारा जो इस समय आप सभी को दिख रहा है, बड़ा ही दिव्य और बड़ा ही भव्य है।
क्योंकि आज तक एक साथ इन डोलियों के दर्शन कभी नहीं हुए हैं। ये ऐतिहासिक क्षण है कि जब एक साथ इन डोलियों के दर्शन आज माँ गंगा के इस पावन तट हर की पौड़ी पर सभी को हो पा रहे हैं। श्री देवभूमि लोक संस्कृति विरासतीय शोभा यात्रा समिति की ओर से हरिद्वार महाकुंभ के शाही स्नान के लिए अलौकिक देव डोलियां कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के हरिद्वार स्थित प्रेमनगर आश्रम से सीसी आर होते हुए पुलिस की घुड़सवार टुकड़ी और ढोल दमों की मधुर धुनों के बीच शोभा यात्रा के रूप में हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर शाही स्नान करने के लिए पहुंची। हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पहुंचने पर पुलिस उपाधीक्षक अखाड़ा प्रबोध घिडियाल आदि ने देव डोलियों पर पुष्प वर्षा की। यहां पर देव डोलियों की पारंपरिक विधिवत पूजा अर्चना की गई। इसके बाद बद्री विशाल सुरकंडा देवी माँ धारी देवी घड़ियाली देवता आदि के जयकारे लगाते हुए देव डोलियों को भक्तों और आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने गंगा स्नान कराया। शाही स्नान करने के पश्चात देव डोलियां सीसीआर होते हुए पुलिस संचार बेस कैंप पहुंची, जहां पर देव डोलियों का भव्य स्वागत कार्यक्रम मेला प्रशासन की ओर से मेला पुलिस प्रशासन की ओर से आयोजित किया गया। मेला अधिकारी दीपक रावत, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुंभ जन्मेजय खंडूरी महामंडलेश्वर वीरेंद्रानंद जी ने संचार बेस कैंप में देव डोलियों का माल्यार्पण और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर मेला अधिकारी दीपक रावत एवं महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्रानंद ने आयोजन से जुड़े सभी लोगों को अपनी शुभकामनाएं दी। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं उस स्थान पर जहां पर पुलिस प्रशासन की ओर से, मेला प्रशासन की ओर से देव डोलियों का स्वागत किया जा रहा है। और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं इन देव डोलियों के साथ आए हुए आचार्य जी। आइएगा जानते हैं कि कहां कहां से ये डोलियां आई हैं और कौन कौन सी डोलियां इस समय हरिद्वार में महाकुंभ का ये पावन स्नान करने के लिए पहुंची हैं। जी आचार्य जी, सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं आचार्य सुरेंद्र प्रसाद सुंदरियाल, देवभूमि देहरादून नेहरू कॉलोनी से माँ धारी देवी की देव डोली आप देख रहे हैं, जिसके समक्ष आप खड़े हैं। और कुंभ पर्व में यहाँ पर 12 वर्ष में ये कुंभ पर्व होता है, ये सभी उत्तराखंड के सनातन संस्कृति को सबको पता है। इस बार भगवान श्री घंट घंडियाल देवता की देव डोली आई है, माँ धारी देवी की देव डोली आई है, माँ सुरगंडा और माँ दक्षिण काली भद्रकाली देवी की देव डोली यहाँ पर पधारी है। 250 देव डोलियों को आह्वान किया गया था, आमंत्रित किया गया था, जिसमें मात्र कुछ ही, क्योंकि कोरोना काल तब तक आ गया, 2 महीने पहले से शासन प्रशासन की बहुत अच्छी तैयारी थी, जिसको कोविड के चलते इसको सूक्ष्म ही किया गया है। मात्र सांकेतिक इस यज्ञ को आज इस कुंभ महाकुंभ का विराम दिवस हम यहाँ पे देव डोलियों को अब 27 तारीख को पूर्ण कुंभ होने के बाद इसका विराम किया जाएगा। जी आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आज देव डोलियों को यहाँ पर गंगा जी में स्नान कराया गया है, तो किस माध्यम से आज इनको स्नान कराया गया है, किस विधि के द्वारा स्नान कराया गया है? उत्तराखंड की देव संस्कृति में विधि और विधान का परिपक्वता है। विधि और विधान, विधि तो षोडोपचार पूजन के साथ पहले देव डोलियों का पूजन हुआ है। षोडोपचार पूजन से दूध दही घृत मधु इत्यादि से मधुपर्क से पूजन किया है आदरणीय उत्तराखंड लोक संस्कृति विरासत शोभा यात्रा के सम्मानित अध्यक्ष जी मोहन सिंह गांववासी जी और सभी लोगों ने। उसके बाद देव डोलियां स्वयं अपना गंगा जी में अवतरित हुई, वहां पे देवीय शक्ति आती है, स्वयं उन्होंने स्नान लिया और कम से कम आज आधे घंटे तक देव डोलियां वहां पे अपना आप स्नान किया है।
अपना, उसमें हम नहीं करते कि हम डालेंगे हम निकालेंगे, ये स्वयं माँ की शक्ति होती है, इसमें हमारा कोई बस नहीं चलता है, चलता है तो माँ का आदेश चलता है जो हमें पालन करना पड़ता है। इसलिए तो बहुत अच्छा आज का कार्यक्रम रहा, और शायद अगर ये कोविड काल नहीं होता तो बहुत ही अच्छा रहता, ये देश प्रदेश तक इसकी बहुत अच्छी सूचना देने, परंतु आपके माध्यम से जो आप कोरोना काल में भी हमारी सेवा कर रहे हैं, उत्तराखंड के देवी देवताओं के लिए आप यहाँ पर आए हैं, तो मैं माँ भगवती से आपके और उत्तराखंड और देश और प्रदेश और विदेश में रहने वाले सभी भक्तों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ, और कोविड से जल्दी निजात मिले। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग भवेत्, अर्थात भाग्य में, वैसे तो भाग भवेत्, भाग में भविष्य में ये कभी बीमारी हमारे पास आए ना, और माँ भगवती से यही कामना करते हैं, सबकी मंगल कामना करते हैं। बोलिए इष्ट कुल देवताओं की, धारी देवी की, धन्याल देवता की, भद्रकाली मैया की, सुरगुंडा देवी की, नागरजा भगवान की, भद्र विशाल भगवान की। तो हमने आचार्य जी से जाना कि किस प्रकार से आज इन देव डोलियों को जो है माँ गंगा के पावन तट पर हर की पौड़ी पर स्नान कराया गया है, महाकुंभ के अंदर आज ये स्नान संपन्न हुआ है। मैं मनोज कश्यप, ब्लेस टीवी के लिए हरिद्वार से।